प्लीज चेक आउट दैट वीडियो आफ्टर वॉचिंग वीडियो तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल लाइक आवर ऑल्सो शेयर विद योर योर फ्रेंड्स सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट स्टार्ट विद टूडे पहला पॉइंट है टैक्सेस अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपने सुना होगा कि कनाडा में टैक्सेस बहुत हाई हैं। ऑल दो ये टैक्सेस वर्ल्ड में हाईएसट टैक्सेस नहीं हैं बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसके और भी ज़्यादा हाई हैं बट स्टिल टैक्सेस आर प्रिटी हाई कैनेडा में इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव वे में इम्पोज होती है मतलब आप जितना ज़्यादा कमाएंगे उतना ज़्यादा टैक्स देंगे तो अगर आप कम कमाते हैं आपका टैक्स कम होगा और आप ज़्यादा कमाते जाएंगे तो आपका टैक्स पैकेट भी बढ़ता जाएगा तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हंड्रेड कमाते हैं तो आपको कट कटा के अराउंडी फाइव टू सेवेंटी थाउजेंड ही आएगी सो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर जो सैलरी आपको प्रेजेंट होती है दैट इज ऑलवेज प्री और इस प्री टैक्स सैलरी पे मंथली टैक्स डिडक्ट होता है सोर्स पे बाय द एम्प्लॉयर और जो आपको आती है वो काफी कट कटा के आती है तो अगर आपका कोई दोस्त ये बोलता है कि कैनेडा में उसकी सैलरी हंड्रेड थाउजेंड डॉलर है तो आप उसको डायरेक्ट इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके ये मत सोचना कि उसकी सैलरी साठ सत्तर लाख होगी इट डजेंट वर्क लाइक दैट अलॉन्ग विथ इनकम टैक्स गुड्स और सर्विसेज पर भी टैक्सेज इम्पोज होते हैं लाइक मे बी आपकी होम कंट्री में भी होते होंगे तो आपको ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि गुड्स और सर्विसेज की भी जो प्राइसेस दिखती हैं वो भी प्री टैक्स होती हैं और उन पर भी अच्छा खासा टैक्स इम्पोज होता है सम प्रोविसेज हैव लो टैक्सेज सचस एल्बर्टा एंड सम प्रोविसेस हैव हाई टैक्सेज और हाईस्ट टैक्सेज हैं क्यूबेक के प्रोविंस में तो so, अगर आप अभी भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड इफ यू फील आपको कुछ कमेंट करना है तो प्लीज कमेंट भी करिए नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पॉइंट विच इज कैनेडियन जॉब एक्सपीरियंस सो अगर आप अपनी होम कंट्री में एक ट्रेन डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं लॉयर हैं टीचर हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं और आपके पास फॉरन क्रीडेंशियल्स हैं तो वो क्रीडेंशियल यहाँ काम नहीं करेंगे वो डिग्रीज यहाँ रिकगनाइज नहीं होंगी तो अगर आपको यही प्रोफेशन यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करने हैं तो आपको कैनेडियन क्रीडेंशियल ऑप्टेन करने पड़ेंगे उनके बिना आप यहाँ काम नहीं कर सकेंगे एंड ऑप्टेनिंग सच क्रीडेंशल्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल मैं लॉयर हूँ तो मुझे अगर यहाँ पर लॉ प्रैक्टिस करनी है कोर्ट्स में तो मुझे यहाँ पर अपनी डिग्री ब्रिज कराने के लिए काफी टाइम लगाना पड़ेगा एंड दैट समटाइम्स बिकम्स एन स्ट्रगल टू स्टार्ट योर जर्नी ओवर और इसी लाइन में एक दूसरी बात यह भी है समटाइम्स यहाँ पर जॉब मार्केट पे आपको डीम कर दिया जा सकता है ओवर क्वालिफाइड अगर आप इतनी हाई डिग्रीज लेकर आ रहे हैं इवन दो आप ये प्रोफेशन यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते बट फॉर स्मॉलर जॉब्स और फॉर जॉब्स विच डोंट रिक्वायर सच लाइन ऑफ एक्सपीरियंस आपको बोला जा सकता है कि आप ओवर क्वालिफाइड हैं और आपको वो जॉब नहीं मिलेगी दैट इज अनादर प्रॉब्लम दैट यू मे फेस एंड कमिंग टू द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जो हम सब यहाँ पे सुनते हैं विच इज कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस इनिशियल डेज में जॉब लेने के लिए कोई भी एम्प्लॉयर ये बोलता है दैट आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड दैट इज द हार्श रियालिटी ऑफ कमिंग ईयर दैट अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब लगने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है the only ways that you can help yourself in these situations is do a lot of volunteer work apna network badhaiye apna professional network pe bahut zyada kaam kariye apna resume bahut better banaiye agar aapne kisi foreign projects pe kaam kiya hai jisme you have worked with foreigners you have worked with teams across the globe वो अपने resume में डालिए, because probably that is what they are looking at क्योंकि canada इतना that है, they want people who have worked in such diverse environments की है, और ये होमलेसनेस की प्रॉब्लम कम्बाइन हो जाती है एक ड्रग प्रॉब्लम के साथ और ये एक ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे थोड़ा सरप्राइज या शॉक कर सकती है एज यू नो कैनेडा इज अ वेरी लिबरल कंट्री यहाँ पे हर किसी इंसान की कदर है सो इवन द पीपल हु आर होमलेस

तो आपको डॉक्टर से बात करने के लिए यू जस्ट नीड टू ओपन एन ऐप एंड द डॉक्टर विल बी रेडी एट योर विश यू टू टॉक टॉक टू टू यू कैन दे बट कैनडा में ऐसा नहीं है अगर यहाँ आपको किसी डॉक्टर से बात करनी है देर इज नो वे दैट यू कैन टॉक टू देम ऑनलाइन और थ्रू ई मेल और एनीथिंग लाइक दैट यू हैव टू बुक एन अपॉइंटमेंट और फिर वो अपॉइंटमेंट आपको एक महीने बाद मिले दो महीने बाद मिले या छह महीने बाद मिले That depends on your luck and also depends कि आप कितने बीमार हैं अगर लाइफ थ्रेडनिंग है तो जल्दी हो जाएगा अगर नहीं है तो इट विल टेक टाइम दूसरा एरिया वेर इट कैन इम्प्रूव इज इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस इस फील्ड में देर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट सो द मार्केट इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड ओवर योर उस चक्कर में इतना कंपटीशन नहीं है और उस वजह से यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं फील होती टेक्नोलॉजी एडवांस करने की आई फील मतलब जैसे हम इंडिया से आते हैं तो अगर हमें वहाँ पे किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं तो मैं वो आज अभी ट्रांसफर करूँगी और वो दो मिनट में किसी के अकाउंट में आ जाएगा यहाँ पर ऐसा नहीं होगा इफ आई ट्रांसफर द मनी टू डे दे मे गेट इट आफ्टर अ कपल ऑफ आर्स और इवन अ डे अगर मैं क्रेडिट कार्ड परचेज कर रही हूँ तो मैं परचेज आज करूंगी लेकिन वो मेरे अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होगा चार दिन बाद पांच दिन बाद कभी कभी एक हफ्ते बाद तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी प्रो एक्टिव अबाउट यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड एंड पेइंग इट ऑन टाइम लास्ट डे पे आप बिल पे नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप लास्ट डे पे बिल पे करेंगे तो उसको क्लियर होने में बहुत टाइम लगेगा एंड आपकी हो सकता है डिफॉल्ट हो जाए ये सब चीजें फास्ट करने के लिए ऐसा नहीं है कुछ हो नहीं रहा गवर्नमेंट न्यू रूल्स रेगुलेशंस ला रही है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज थिंग्स विल आल्सो इंप्रूव

If you don't know, Canada is a very liberal economy. People have a freedom to practice any religion, whatever sexual orientation they have, however they want to live, they can live freely. yahan koi rok tok nahi hai तो अगर आप ऐसे mindset के साथ आते हैं, जहाँ पे आपको दूसरे cultures, religion, nationalities, ethnicities, sexual orientation के लोगों के साथ आना नहीं आता, you are in for a shock. क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ दिखेगा कैनेडा सीज पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन बट हिंदू मुस्लिम क्रिस्चंस इट हैज अ लार्ज एल जी बी टी क्यू कम्युनिटी सो दैट इज समिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन एंड हैव एन ओपन माइंड इन केस यू ऑलरेडी डोंट हैव इट अगर आपको ये बात नहीं पता है तो कैनेडियंस आर अ फ्रेंडली बंच ऑफ पीपल एंड देर आर सम सोशल प्रोटोकॉल्स दैट दे ऑलवेज फॉलो फॉर एग्जाम्पल सॉरी एंड थैंक यू उनके मोस्ट फेवरेट शब्द हैं सो so, अगर आपके डिक्शनरी में ये वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते सो प्लीज पुट देम इन बिकॉज दे विल कम इन यूज फॉर एग्जाम्पल इफ समन डोर ओपन फॉर यू बी नाइस काइंड स्माइल एट देम एंड से थैंक यू अगर आपके साथ एलिवेटर में कोई आके बात कर रहा है डोंट जस्ट स्टे साइलेंट डोंट लुक डाउन डोंट लुक अप जस्ट लुक एट देम इन द आई एंड एक्सचेंज अ फ्यू फ्रेंडली वर्ड्स विद देम। बीइंग साइलेंट इज कंसिडर्ड एज रूड ये तो एक बहुत अच्छी चीज है जो यहाँ के लोग फॉलो करते हैं एंड अगर हमें इनके साथ रहना है सो so so ये थी हमारी आज की वीडियो और ये थी कुछ रियालिटीज इस कंट्री की जो कि आपको पता होनी चाहिए जिससे पहले आप यहाँ आने का डिसीजन लें तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो ड्रॉपेंट इफ यू वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद एंड प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आर चैनल इज देश थैंक यू एंड गुड बाय